अक्षय कुमार ने जब अपनी फिल्म बेल बॉटम को थिएटर्स में रिलीज करने का फैसला किया तो फैंस के साथ साथ थिएटर्स के मालिकों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। आखिर एक लंबे वक्त के बाद कोई फिल्म थिएटर में रिलीज होने जा रही थी। 19 अगस्त को रिलीज हुई बेल बॉटम को जहां भारत में दर्शकों का खूब प्यार मिला, वही खबर है कि इसे सऊदी अरब, कुवैत और कतर में बैन कर दिया गया। आखिर क्या वजह है कि इस फिल्म को 3 अरब देशों में बैन कर दिया गया? दरअसल बेल बॉटम में उस वक्त के दौरान की एक सच्ची घटना आधारित है, जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक इन 3 अरब देशों के सेंसर बोर्ड ने बेल बॉटम की एक सीन पर आपत्ति जताई है। वहां के फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड ने ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने के कारण फिल्म के अपने यहां रिलीज करने से इनकार कर दिया। जिस सीन पर आपत्ति जताई जा रही है वह फिल्म के सेकेंड हाफ में आता है, जिसमें दिखाया गया है कि प्लेन को हाईजेक करके लाहौर से दुबई लाया गया था।